ఒడిశాలో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ వస్తుందన్నారు ప్రధాని మోదీ. బీజేడీ ప్రభుత్వానికి జూన్ 4 ఎక్స్‌పైరీ డేట్ అన్నారు. అదే రోజున బీజేపీ సీఎం అభ్యర్థిని ప్రకటించి 10వ తేదీన ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారని తెలిపారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా బహరాంపూర్ బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు మోదీ. బీజేపీ సీఎం ప్రమాణ స్వీకారానికి ప్రజలంతా రావాలని కోరారు మోదీ. సహజ వనరులు పుష్కలంగా ఉన్న ఒడిశా వెనుకబాటుకు కాంగ్రెస్ బీజేడీ పాలనలే కారణమన్నారు. और भाजपा को सरकार बनाने का मोह ऐसा नहीं जी, मैं आपको गारंटी देता हूं, एक बार हमें सेवा करने का मौका दीजिए, 5 साल में मैं मेरे उड़ीसा को देश का नंबर 1 बना के दूंगा. अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारे उड़िया भाई बहन कलकत्ता में बहुत बड़ी संख्या में है, उनको पता है बगल में त्रिपुरा में क्या हो रहा है. मैं त्रिपुरा का उदाहरण देता हूं. जैसे त्रिपुरा को 30 साल से ज्यादा के कम्युनिस्ट और कांग्रेस शासन ने तबाह कर दिया, साल 2018 में वहां के लोगों ने भाजपा को जिताया और सब नए थे, सारे एमएलए नए, कोई अनुभव नहीं था. जैसे हमारे उड़ीसा में सब मेरे नौजवान साथी चुनाव लड़ रहे, वैसा त्रिपुरा में था. अब त्रिपुरा 5 साल लोगों ने काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, लोगों ने दोबारा जीत करके बिठा दिया और आज त्रिपुरा तेज गति से विकास कर रहा है. ये हमारा उत्तर प्रदेश बदनाम हो चुका था, कानून व्यवस्था सब, हमें मौका दिया, योगी जी बैठे और आज उत्तर प्रदेश धनाधन आगे बढ़ रहा है. भाजपा सरकार में अब यूपी की चर्चा रिकॉर्ड निवेश के लिए होती है, विकास कार्यों के लिए होती है. असम में भी बरसों के कांग्रेस शासन को देखने के बाद लोगों ने भाजपा को चुना. अब असम हिंसा का दौर पीछे छोड़कर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. छत्तीसगढ़ में भी आज भाजपा सरकार की वापसी के बाद विकास कार्यों ने फिर से तेजी पकड़ी है. ऐसे ही उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद